जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लास 7। आई एम मिस फोजिया विद योर मैथ्स बी लेक्चर फ्रॉम योर बुक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड वी आर रीडिंग यूनिट नंबर 1 विद द नेम ऑफ सेट्स एंड एक्सरसाइज 1.4। एंड टुडे टॉपिक इज अ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद द यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज। एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअली दिस प्रॉपर्टी डील विद द टू सेट्स, नॉट थ्री सेट्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी थ्री सेट्स के लिए ट्रू हो ही नहीं सकती, बल्कि है ही नहीं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ओनली टू सेट्स, और सेट्स के कोई भी नेम हो सकते हैं। यहाँ पर हम एज्यूमिंग सेट्स ले रहे हैं ए और बी। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। These are two commutative properties, and commutative property is only true for union and intersection, and not true for difference and complement. Now let's start exercise 1.4, which deals with these two properties. And first question is from your commutative property, and there are three sets by the name of A, B, and C. Elements of set A is equal to A, E, I, O, U. Elements of B is equal to A, B, C, and elements of C is equal to A, C, E, G. Yes, there are three sets. ये तीन given है, commutative property तीनों के साथ कभी deal नहीं करेगी। तो depend upon question situation कि हमें इनमें से कौन से दो set choose करने हैं और कौन सा operation choose करना है। Now here part number 1. Then verify that A intersection B is equal to B intersection A. So dear students of class 7, this is the commutative property for intersection of two sets. Bolenge aap sab mere saath, this is the commutative property for intersection of two sets, and here confirm two sets with the name of A and B. A set ke elements hain A, E, I, O, U, and the elements of set B is A, B, C. First of all, After solution, we rewrite the required two sets. देखिए बेटा, हमें यहाँ पर C set required नहीं है। इस question में सिर्फ A और B ही required है, तो हमें C set लिखने की क्या जरूरत है? आपने solution के बाद C set नहीं लिखना, लिखोगे आपके marks कट जाएंगे। अपनी तरफ से तो हम बड़ी कोशिश करते हैं ना कि जी हम पूरा knowledge जाए और हम बड़ी information teacher को दे रहे हैं। जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर वो कभी कोई सेट आपसे डिमांड करेंगे, कभी कोई सेट आपसे डिमांड करेंगे। सोल्यूशन से पहले जो हो सो हो, लेकिन सोल्यूशन के बाद आपने सिर्फ उतना ही मटेरियल देना है जितना कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा अपने सोल्यूशन के लिए। यहाँ पर हमें सी सेट रिक्वायर्ड नहीं है, हम ए और बी दो सेट हमें रिक्वायर्ड है, हमने वो दोनों ही लिख लिए। अब हमने यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस के साथ जाना है। LHS और RHS की अगर मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दूं, तो वो ये है बेटा कि यहाँ पर जब हमारे पास इक्वेलिटी के बोथ साइड्स पे, ये बात बड़ी सोच समझने वाली है कि अगर इक्वेलिटी के दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी कोई ऑपरेशन होता हो, कोई या कोई सोल्यूशन पॉसिबल हो, या कोई ऑपरेशन, सारी बातें ऑपरेशन होते हैं तो हम उनके सोल्यूशन भी निकालते हैं, कोई ऑपरेशन हो या कोई सोल्यूशन पॉसिबल हो, तो हम LHS और RHS से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कल मुझसे किसी क्लास में, किसी भी 4 के 4 सेक्शंस में से किसी भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि टीचर प्रूफ डेट में तो LHS और RHS आता है, आप क्यों नहीं यूज कर रही। कल का काम आपको दिखाती हूँ दोबारा से। नाउ द क्वेश्चन अराइज दिस कि ये एक क्वेश्चन था, हेंस प्रूव्ड करना था आपको, और हम LHS और RHS के साथ नहीं थे। नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज देयर इज सॉल्यूशन इज पॉसिबल ओनली वन साइड ऑन LHS एंड नो सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर RHS। RHS में तो सॉल्यूशन है ही नहीं, ओनली LHS का सॉल्यूशन है। तो जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आए, माइट भी पॉसिबल आपके नॉलेज में ये बात हो, लेकिन अब जब के मेरे नॉलेज में है और आपके नॉलेज में भी है, तो दोबारा कभी इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर तो इक्वेलिटी के दोनों साइड्स पे सॉल्यूशन पॉसिबल हो, तो हम LHS और RHS को एज्यूम करते हैं।
अगर इक्वेलिटी के वन साइड पे तो सोल्यूशन हो, जैसे यहाँ पर इन क्वेश्चंस में इस साइड पर ए डिफरेंस बी एक ऑपरेशन है और इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल है, लेकिन दूसरी साइड पे ना हो, तो बेटे हम कभी भी LHS और RHS के साथ नहीं जाते, हम सिर्फ उस क्वेश्चन को एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं, यहाँ पर LHS में भी इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हो रहा है और RHS में भी इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए हम LHS को भी सपोज करेंगे और RHS को भी। LHS फॉर लेफ्ट हैंड साइड और RHS फॉर राइट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, आफ्टर राइट योर ऑपरेशन प्लीज पुट द वैल्यू फॉर ए सेट एंड बी सेट एंड पुट इंटरसेक्शन साइन बिटवीन दीज टू सेट्स। ए सेट के एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा और बी सेट के एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे। दिस इज द मेथड। नाउ वी हैव इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर ढूंढ लेंगे बेटे कि दोनों सेट्स में कॉमन क्या क्या है। ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, ए जो है वो सेट बी का एलिमेंट है, तो ये कॉमन एलिमेंट कंसिडर होगा। तो सबसे पहले तो आपने ए को लिख लिया, क्योंकि ए जो है वो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। अब नेक्स्ट देखो, ई ई बी का एलिमेंट नहीं है, ये अनकॉमन है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है और यू भी नहीं है। अब यहाँ पर नहीं आपने काम छोड़ना, ये बात हम यहाँ पर इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने बारी बारी देखना है। ए सेट के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, अब बी सेट में आए, ए बी का एलिमेंट है, ए का भी है, इंटरसेक्शन में और यूनियन में दोनों सेट देखने होते हैं। तो ए को तो हम पहले ही लिख चुके हैं, हमने दोबारा तो लिखना ही नहीं, हम तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते। बी जो है वो ओनली बी का एलिमेंट है, ए में नहीं है, और सी भी सिर्फ बी का एलिमेंट है, ए में नहीं है। तो ओनली वन एलिमेंट इज कॉमन इन ए एंड बी सेट विच इज ए। नाउ राइट डाउन RHS एंड यू कैन यूज मार्कर फॉर दिस। RHS इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले आपने ऑपरेशन लिखना है, सबसे पहले हमने ये बताना है कि राइट हैंड साइड है क्या। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आपने बता दिया। अब हम वैल्यूज कोट करेंगे, जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स है ए बी सी और ए के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। पहले पूरा बी सेट के एलिमेंट्स को सर्च करो, फिर पूरे ए सेट के एलिमेंट्स को सर्च करो, जो कॉमन एलिमेंट है ओनली वही आंसर में आएगा जो कि है ए। अब यहाँ पर ए LHS में भी आंसर आ चुका है, सिंगल एलिमेंट आया है, और RHS में भी ए एलिमेंट आंसर आ चुका है, सिंगल एलिमेंट आया है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये लिखना है, ये लिख दें, ये तो लिखना ही लिखना है। इससे पहले अगर आप चाहें तो आप LHS इज इक्वल टू RHS भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉट कंपल्सरी। अगर आपने प्रॉपर्टी लिख दी है ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। असल आपका काम है प्रॉपर्टी लिखने का। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS लिखते हैं और घर चले जाते हैं, और हेंस प्रूव्ड भी लिख देते हैं। भाई हमें क्या पता है LHS पे क्या था और RHS पे क्या था, हमें तो नहीं पता, बताना पड़ता है कि LHS पे था ए इंटरसेक्शन बी और RHS में है बी इंटरसेक्शन ए। तो ये बात आपने वेरीफाई की है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या करना है, हमने कभी भी, बेशक आप LHS इज इक्वल टू RHS लिख रहे हैं, अगर आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, तो बेटा एट द एंड ऑफ योर क्वेश्चन प्रॉपर्टी लिखने का पूरा आधा नंबर या एक नंबर, डिपेंड अपॉन द नंबर, मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर का आ रहा है, या आपके शॉर्ट्स हैं, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन द पार्ट नंबर टू, बी यूनियन ए एंड सी यूनियन बी, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर यूनियन, द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर टू सेट्स। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर टू सेट्स एंड हेयर ए इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली बी एंड सी टू सेट्स आर रिक्वायर्ड। तो बेटा सोल्यूशन के बाद हमें ए की क्या जरूरत है, हम कभी ए को लिखेंगे ही नहीं। जो सेट रिक्वायर्ड हैं ओनली वही सेट्स ही लिखने जरूरी हैं। अब यहाँ पर बी और सी की जरूरत है, ए की नहीं, तो आपने सोल्यूशन के बाद बी और सी के सेट लिखने हैं। फिर हम अपनी LHS बताएंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, बी यूनियन सी,
और उसका ऑपरेशन के नीचे उसके सेट्स को कॉपी करेंगे, जिसे हम पुटिंग वैल्यू का नाम देते हैं, और एट द एंड यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, नो रिपीट नो लेफ्ट। लिखने भी सारे हैं, कोई छोड़ना भी नहीं और कोई रिपीट भी नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। मैं यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज ही प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास में आप 7 में पढ़ रहे हो, ये बताना बताना कुछ क्वेश्चंस में जरूरी होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन जब हम काम ही प्रॉपर्टीज पे कर रहे हैं तो ये बताना इतना भी जरूरी नहीं है, उसके कोई नंबर नहीं है। हाँ अलबत्ता प्रॉपर्टी लिखने के फुल मार्क्स हैं और वो आपने लिखनी ही लिखनी है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और हमने यहाँ पर यूनियन एंड इंटरसेक्शन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के प्रूव किए, और सेम मेथड से हम इसके तमाम पार्ट्स को आज ही सॉल्व कर लेंगे। बुक पे भी सॉल्व करना है, लो शीट्स पे भी।